आज हम लोगों ने सारे गामा हरियाणवी चैनल लॉन्च किया है सोमवीर भाई के गाने के साथ काले कारनामे, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त एक प्रोजेक्ट आप कह सकते हैं कि जिसमें आपको डिलाइट मिलेगा वीडियो ऑडियो, और हमारे जो ये मेल मॉडल हैं बहुत ही सेक्सी हैं, तो इनका जो एक रिप्रेजेंटेशन हम लोगों ने दिखाया तो ये देखने को मिलेगा। और हम लोग आज पूरी इंडस्ट्री यहाँ पे आए हुए हैं कि जैसे यूके हरियाणवी आए हुए हैं हमारे साथ, ये दादा साधु एक बहुत ही वायरल चल रहे हैं वो HR नंबर गड्डी जो है, तो ये आए हुए हैं, राजू पंजाबी आ रहे हैं, विश्वजीत आ रहे हैं, तो ये जो एक यूनिटी आई है इस चीज़ को देख के तो मैं बहुत ही खुश हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग जिस एम के साथ आए हैं वो कहीं ना कहीं ऊपर वाला भी ये चाहता है कि हम लोग अच्छा काम करें, और ये इंडस्ट्री का सपोर्ट इतने प्यारे तरीके से तो मिल रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को बहुत जल्द मैं अच्छे अच्छे गाने, अच्छे प्रोजेक्ट्स अपने ऑडियंस को देने वाला हूँ। और हम लोग जब किसी भी इंडस्ट्री में आते हैं, है ना, तो हम लोगों ने शुरुआत करी है म्यूज़िक से, लेकिन कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कल हम लोग मूवीज़ नहीं करेंगे, हम लोग हर वो चीज़ करेंगे जिससे इस ऑडियंस को जो रिक्वायरमेंट है, जो नीड है, वो हम लोग डिलीवर करने के लिए बिल्कुल ही तत्पर हैं और ज़रूर वो हम लोग करेंगे मार्केट के लिए। इसके पीछे मकसद है हरियाणा को एक अलग लेवल पर लेके जाना, जैसे कि पंजाब एक बहुत बड़े स्तर पर है, इसी तरह से हमारी ये भी कोशिश है कि हरियाणा को भी एक अलग स्तर पर लेके जाएँ। जनरली होता क्या है कि DJ के गाने ज़्यादातर सुनते हैं लोग, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि जो लोगों को दिया जाएगा वही तो वो खाएंगे ना, जो हम परोसते हैं वही तो वो खाएंगे। तो हमारी कोशिश ये है कि सारे गामा के ज़रिए हम कुछ अच्छी चीज़ें भी हरियाणा को या फिर इंडिया को या फिर पूरी दुनिया को देना चाहते हैं। हम आर्टिस्ट हैं, हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, बाकी तो ऑडियंस पर डिपेंड करता है कि वो क्या एक्सेप्ट करते हैं। सपना चौधरी जी का बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने हरियाणा को बहुत बड़े लेवल पर रिप्रेजेंट किया है, तो हमारी कोशिश ये है कि उसी को लेवल को आगे लेके चलें। जैसे पहले बॉलीवुड के गीत होते थे उनको भी हरियाणवी में रिक्रिएट कर रहे हैं, उनको तो कर ही रहे हैं, और बाकी जो हरियाणवी में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है, पहले कुछ और काम होता था, अब उस काम में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, तो उस बढ़ोतरी को और बढ़ोतरी की तरफ लेके जाएंगे सर। हमारे 5-1 प्रोजेक्ट तो हैं अभी, रिंगा रखा, एक सुपर द ऊपर, और 2-3 प्रोजेक्ट और हैं, मैं उनका अभी खुलासा नहीं कर सकता हूँ, बाकी भगवान ने चाहा तो अच्छा काम करें। बॉलीवुड की बात करें तो अरिजीत सिंह मुझे बहुत पसंद है और मैं बहुत फॉलो करता हूँ उनको, और अगर यहाँ पे बात करें सुर की बात करें, भाई बेहद सुरीला कलाकार कौन है, तो मैं दो नाम वो यहाँ पे मौजूद भी हैं, रूबी खान जी और हिमांशु शर्मा जी, मैं उनको फॉलो करता हूँ, बहुत कमाल के सिंगर हैं, बहुत कमाल। इसमें यह है कि काली काली गाड़ी काले काले काम सारे काली घोड़ी के शौकीन यार हरियाणे आले, काली काली गाड़ी काले काले काम सारे काली घोड़ी के शौकीन यार हरियाणे आले। तो गाने का नाम ऐसे तो काले कारनामे है, लेकिन काले कारनामे में इस तरह का कुछ भी नहीं है उसमें, वो सिर्फ हरियाणा को एक अच्छे लेवल पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश है। मैं आपको बता दूँ, हरियाणा में पहले फिल्में नहीं बनती थी, और बनती थी तो काफ़ी पहले बनती थी, जैसे चंद्रावल हुई थी, तो अब एक हरियाणवी मूवी आने वाली है बहुत जल्दी, दादा लक्ष्मी के नाम से, यशपाल शर्मा जी ने डायरेक्ट किया उसको, और यशपाल शर्मा जी ने ही उसमें काम किया है, तो उसमें मैंने 4 गाने गाए हैं, और ये बड़ी खुशकिस्मती है हमारी कि मतलब हरियाणा का लेवल अप से अप होता जा रहा है, तो आगे फिल्में भी बनेगी हरियाणा में और बड़े बड़े प्रोजेक्ट करने वाले हैं, तो उसको हमारी खुशकिस्मती के रिप्रेजेंट करने का मौका मिला है। बेसिकली मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, तो एक दिन ऐसे ही बैठे थे, सोमवीर भाई बोले कि भाई एक गाना करते हैं, मैं बोला भाई मेरा इंटरेस्ट नहीं है गाने वाने में, मेरे को अपनी जॉब करने दो, नौकरी करने दो, मैं ठीक हूँ वहाँ पे। बोला नहीं 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 गाना करते हैं, तो तब हमने हमारा पहला गाना था मुँह मिठा करा दे, तब हमने पहला गाना किया था, तो उसके बाद फिर रुचि बनती चली गई, उससे पहले मैं 6 साल थिएटर किया था मैंने, थिएटर करके मैंने फिर जॉब स्टार्ट कर दी थी, फिर कभी इतना मन हुआ नहीं, सोचा नहीं था कि कभी ऐसा कुछ करेंगे, बट अब पूरी रुचि सी है इसी में है, और मतलब मैंने सिर्फ इसी काम के लिए अपनी जॉब भी छोड़ दी है, क्योंकि इंटरेस्ट इतना ज़्यादा हो गया, क्योंकि दोनों चीज़ें साथ मैनेज नहीं कर पा रहा था मैं, तो सिर्फ अब मॉडलिंग पे ही पूरा फोकस है। इसी में सारे काम हरियाणवी से ही हमारा अगला प्रोजेक्ट रिलीज़ हो रहा है सुपर तक ऊपर, उसके अलावा 2-3 प्रोजेक्ट और हैं, वो एक्चुअली क्या है कि नाम डिस्क्लोज करने का है नहीं अभी, सारे काम आने मना किया, कॉन्फिडेंशियल है उनकी तरफ से, तो बहुत जल्दी आपको मतलब 10 गानों का बॉन्ड हुआ है हमारा, तो बहुत जल्दी आपको बैक टू बैक गाने मिलेंगे सारे काम हरियाणवी से।